दोस्तों सुबह सवेरे की हमारी इस बैठक में आज हमारे साथ मौजूद हैं आने वाली फिल्म पागलपन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता करण नाथ। तो आइए मिलते हैं आज के अभिनेता करण नाथ से। करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह सवेरे में। स्वागत है सुबह सवेरे में। तो करण, जहां तक हमें मालूम है आपके माता पिता दोनों ही फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, मगर फिर भी आपने अपने करियर की शुरुआत होम प्रोडक्शन से नहीं की बल्कि पागलपन से की है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल सही है। वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने शुरुआत की थी तब एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे पिताजी काफ़ी अपने लाइन में बिजी थे और इवन माई मॉम वॉज लाइक वेरी बिजी इन हर लाइन। सो एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट ऑफ विद आउटसाइड प्रोडक्शंस बिकॉज यू ऑलवेज लर्न द हार्ड वे, राइट? सो आई गेस आई हैव लर्न द हार्ड वे, आई स्टार्टेड आउट विद आउटसाइड प्रोडक्शन एंड आई गेस यार लेट्स। करण, क्या आप एक्टिंग का शौक, अभिनय का शौक शुरू से ही था, बचपन से था? एक्चुअली बचपन से मैं टेनिस खेलता था, मैंने टेनिस नेशनल लेवल पे खेला है, बट देन टेनिस एक ऐसी गेम है जो आपसे काफ़ी टाइम, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है उस गेम को और आपको बाकी और चीज़ें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जी। तो मैं आई जस्ट कुडंट कीप अप विद टेनिस एंड अराउंड द सेम टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स लाइक सो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड यू नो आई ग्रूव माई सेल्फ अ बिट एंड देन आई फिर मैंने शुरुआत की पिक्चरों के साथ। तो आपने कहीं से एक्टिंग सीखी थी या इनबॉर्न है? हाँ जी, मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया हुआ है, मैंने मिस्टर किशोर नमित कपूर किया, मैं वहाँ पर एक्टिंग सीखा मैंने। पागलपन के बारे में कुछ बताइए, ये फिल्म कैसे शुरुआत हुई इसकी? क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ कि जब एक बार क्या हुआ, मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, जॉय भी सेम जिम में वर्कआउट करते थे, तो एक बार क्या हुआ उनने मुझे वहाँ देखा और लेटर ऑन ही इंक्वायर्ड अबाउट मी एंड फिर बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि मैं मिस्टर रिकू जी का बेटा हूँ। देन ही गॉट इन टच विद डैड एंड ही टोल्ड माई एज इन माई डैड दैट ही इज वेरी कीन ऑन मी एंड स्टफ। बट उस टाइम पे मैं सिर्फ 17 साल का था, आई वॉज लाइक वेरी यंग ना। सो देन अगेन 2 साल के बाद अगेन ही गॉट इन टच विद डैड और उस बाय दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी मैंने साइन कर लिया था कुकू जी की पिक्चर ये दिल आशिकाना, वो मैंने साइन कर ली थी और मैंने अपने एक्टिंग क्लासेस सब कुछ कर लिया था कोर्स और मैंने डांस भी सीखा हुआ, मैं मिस्टर शामक दावर का डांस सीखा है। अच्छा, तो आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन होमवर्क, डन द होमवर्क वेल। अच्छा, ये जो फिल्म है पागलपन, सुनने में तो काफी रोमांटिक सी लगती है, पर इसमें क्या पागलपन है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में क्या पागलपन है, वो आपने जो पिक्चर देखी था वो क्या पागलपन है इस पिक्चर में? क्या ये डर शाहरुख खान की जो फिल्म थी या उस तरह का कोई? नहीं, वैसे कोई नेगेटिव शेड नहीं है, कोई जुनून है किसी को किसी के ऊपर? जो मेरा कैरेक्टर है पागलपन में इज लाइक माय कैरेक्टर इज कॉल्ड समीर, ही कम्स डाउन फ्रॉम अब्रॉड, बहुत ही ही इज अ वेरी रिच गाय, सन ऑफ अ टाइकून, बट एट द सेम टाइम बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ है। तो लाइक एंड विद दैट आई मीन ऑलवेज वेरी फुल ऑफ एनर्जी, यू नो। तो समीर अब्रॉड से आता है एंड रोमा से मिलता है, दैट्स आरती, रोमा से मिलता है एंड फॉल्स इन लव विद हर एट द वेरी फर्स्ट साइट। देन कैसे उनका लव ग्रो करता है एंड कैसे वो सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, दैट्स व्हाट पागलपन इज ऑल अबाउट। द ट्रीटमेंट इन द फिल्म इज वेरी डिफरेंट, द ट्रीटमेंट इज इस पिक्चर को सेपरेट करता है रेगुलर लव स्टोरी से, रेगुलर मूवीज। तो आपकी वाइब्स कैसी रही इस नई फिल्म स्टार आरती से जिनका आपने अभी जिक्र किया? एक बार हम शूटिंग कर रहे थे मॉरिशस में, तो जिस जगह हम शूटिंग कर रहे थे वो काफी क्राउडेड था, बहुत ही पैक था। तो एक बार तो क्या वो मुझे हमें एक मोंटाज करना था जहाँ पर मैं आरती को सिखा रहा हूँ हाउ टू राइड अ बाइक। अच्छा, तो जॉय ने एक्शन बोला एंड वी स्टार्टेड मूविंग, तो आरती वॉज ऑन द बाइक और मैं उसे सिखा रहा था। तो करते 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 पता नहीं क्या हो गया, आउट ऑफ नोवेयर आरती फेल डाउन विद द बाइक एंड इवन आई फेल डाउन बिकॉज़ आई लॉस्ट माय बैलेंस, आई ट्राई टू सेव हर और मैं भी गिर गया। तो फिर द पीपल अराउंड अस, उन सबको लगा कि वो सीन था, यू नो, लाइक इट सीक्वेंस इटसेल्फ एंड दे ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग एंड लाफिंग एंड ऑल एंड वी वर लाइक, हम लोग इतने डीप पेन में, तो प्लीज, एंड दे वर लाइक स्माइलिंग। हमें आपको आई मीन यू नो थोड़ा अंदाज है कि जब आप चोट, आपको चोट लगती है और कोई अगर आपके सामने आकर आपके स्माइल कर रहा है, हंस रहा है आप पे, I mean that was like it was very embarrassing but it was fun. करण, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल फिल्म इंडस्ट्री की जो स्टेटस है, जो हालात हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे वक्त में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही, डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आई जस्ट सॉ द कॉपी कपल ऑफ डेज बैक और बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश क्योंकि सभी न्यू कमर्स हैं पिक्चर में, तो इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज वेरी गुड एंड जो स्टोरी का प्रॉपर जस्टिस जब मिलती है, प्रॉपर कन्विक्शन के साथ काम किया जाता है,
तब आई थिंक पिक्चर मोस्टली लाइक हिट्स अ बुल्स आई एंड वी आर एज एन ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट. मगर बड़े बड़े स्टार्स की भी फिल्म आजकल बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पा रही है, तो यू थिंक अगर आप देखेंगे और अगर मोस्ट ऑफ द एज इन बिग हिट्स जो हैं वो मोस्टली सब आई थिंक सब लव स्टोरीज है और सब न्यू कमर्स के साथ है, जैसे कि मैंने प्यार किया, बॉबी एंड सम लगन भी आ रही है अब ग्रेसी सिंह की आई बिलीव लगान राइट लगान सॉरी लगान शुड बी कमिंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर. बट देन हमारी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है एंड हमारा जो प्लस पॉइंट ये है कि हमारी पिक्चर बहुत ही फ्रेश लग रही है कंसीडरिंग हैविंग ऑल द न्यू कमर्स इन इट, इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश. सो वी ऑल आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड ऑल द आर्टिस्ट्स इन द मूवी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 100%. सब लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया एंड सो लेट्स सी ओनली टाइम विल टेल. इंडस्ट्री में इस जमाने में काफ़ी सारे न्यू कमर्स आए हैं, तुषार कपूर, ऋतिक को अब थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन इस लेवल पे कंपटीशन के बारे में क्या कहेंगे आप? गुड, आई मीन कंपटीशन शुड बी हेल्दी, फिर ही आपको मालूम पड़ेगा आप वेयर डू यू स्टैंड. सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई मीन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. And so I guess only time will tell. इस फिल्म का आपका सबसे मुश्किल सीन जो आपको लगा परफॉर्म करने में? हाँ जी. वो कैसा था? ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया पागलपन में, ये बहुत ही नेचुरल था मुझे, you know? अच्छा. तो लाइक मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये जो कैरेक्टर लव अ बॉय कैरेक्टर है. बट देन मैं कुछ और नहीं बोला चाह रहा हूँ, नहीं मीन मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कैरेक्टर करते. करण, आगे आपकी कोई और भी फिल्म्स आने वाली हैं क्या इसके बाद? हाँ जी, अभी राइट नाउ फिलहाल तो मैं चार पिक्चर फ्लोर पे, अपार्ट फ्रॉम पागलपन ये दिल आशिकाना, सेकंड मूवी ये दिल आशिकाना है जो अगस्त में रिलीज होएगी. मिस्टर कुकू कोहली ही इज द डायरेक्टर. हीरोइन कौन है इसमें? जिविदा शर्मा. जिविदा शर्मा. एंड जो तीसरी पिक्चर है वो है लव इन कश्मीर फॉर वीनस एंड उसमें डायरेक्टर है मिस्टर एस वी राजेंद्र सिंह, अगेन विद अ न्यू कमर भूमिका सिंह. एंड द फोर्थ फिल्म विच आई एम डूइंग दैट्स आशिकी दिवांगी, विमल जी, मिस्टर विमल कुमार ही इज द डायरेक्टर एंड दैट्स ऑपोजिट कीर्ति रेड्डी. तो मतलब जितनी भी नई फिल्में की उसमें सारे नए स्टार्स हैं, नए कलाकार हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब कोई बहुत बड़ी फिल्म के लिए अभी तक? अभी तक तो फिलहाल मैं न्यू कमर्स के साथ मोस्टली, एज मैं खुद न्यू कमर हूँ तो लाइक मोस्टली सब न्यू कमर्स के साथ कर रहा हूँ. And I don't, I think as long as जो story अगर बहुत ही appealing है and story is good, the setup अच्छा है, then one should go for it. अगर आप देखेंगे तो I think शमी कपूर ने भी always as in हर picture में हमेशा वो newcomer के साथ ही उन्हें काम किए mostly. तो वैसे I don't believe in such things. कोई favorite heroine के साथ आप काम करना पसंद करेंगे या किसकी favorite something like that? As in favorite heroine, favorite actress movie. वैसे हाँ. माधुरी दीक्षित है. But I guess she look like my sister. करण, आपको देख के लगता है कि आप violent films या थोड़ी इस टाइप के strong character प्ले action फिल्मों के लिए भी आप बहुत ये दिल आशिकाना action love story है, उसमें मैंने वो shades भी हैं जैसे that's more of action image, तो उसमें उस तरीके के shades आपको मिलेंगे जरूर. करण, हमें उम्मीद है आपकी आने वाली फिल्म पागलपन बहुत जबरदस्त हिट होगी, लोग उसे काफी पसंद करेंगे. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी. बहुत बहुत प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक.